हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सफाइयां तो चालू हो ही गई है सभी की, और कुछ लोगों ने तो कर भी ली, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि बाहर चली गई थी, आपको मालूम है। तो आज मुझे ना ये बाथरूम साफ करना था, लेकिन बाथरूम साफ करने से पहले यहाँ पर रखी है मेरी वॉशिंग मशीन। और ये जो मेरा बाथरूम है, ये मेरा रूम से अटैच है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ हमारा नहाना धोना कुछ नहीं होता, बस मशीन यहाँ पर रखी है तो कपड़े वॉश होते हैं। तो मैंने सोचा मशीन को भी साफ कर देती हूँ और उसके बाद मशीन को बाहर निकाल देंगे, फिर पूरे टाइल्स वगैरह साफ कर देंगे तो अच्छे से ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको अपनी मशीन दिखा देती हूँ। तो मेरी है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, और इसको देखिए अभी कपड़े धुले ये तो मैंने साफ नहीं किया क्योंकि इसकी अब मुझे अच्छे से सफाई करनी ही थी। तो सबसे पहले जो है मैं इसकी ये जो जाली है वो निकाल देती हूँ। तो इसको थोड़ा सा दबाकर और निकालते हैं तो आराम से निकल जाती है, और इसके अंदर ना बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो जो कपड़े धुलते हैं ना उसी के बस धागे बूर वगैरह होते वो हो जाते हैं इकट्ठे इसमें। और ये देखिए आप देख पा रहे कितना गंदा ये हो चुका है। तो इसको हम उलट लेंगे और इसके अंदर से ये जो भी इकट्ठा हुआ है कपड़ों का ये निकाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे साफ नहीं कर पाएंगे तो हाथों में आप ग्लव्स पहन लीजिए, लेकिन मुझसे क्या है कि ग्लव्स पहनकर वो काम फिर वो बात नहीं बनती है, तो मैं ग्लव्स नहीं पहनती हूँ। और अब टैप चलाकर इसमें छोटे छोटे जो बूर वगैरह रह जाते हैं वो आराम से एक टूथब्रश मैंने ली है उससे साफ कर लूंगी, तो अच्छे से ये पूरी साफ हो जाएगी। और ये जो प्लास्टिक की जाली से है ना, ये भी अब यहाँ पर उंगली तो पहुँच नहीं रही थी, तो जो ब्रशेस होते हैं टूथब्रश के वो आराम से इसको साफ कर देंगे पूरा। और फिर साबुन लगाकर मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया था, तो ये जाली जो है हमारी बिल्कुल अब साफ हो जाएगी। तो इसे आप ना वीक में एक बार तो जरूर साफ कर लीजिए, वैसे भी अगर आप मशीन साफ करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अब हमारी धुल चुकी है, साफ हो गई है। अब इसको मैं रख देती हूँ और अब तक मैं अपनी मशीन को साफ करती हूँ। और अंदर से भी देखिए बिल्कुल ही आराम से साफ हो गई है टूथब्रश से। और अंदर की तरफ फ्रेंड्स मशीन में ये जो कुछ डिजाइन या कंपार्टमेंट जैसा बना हुआ है ना, तो यहाँ पर हाथों से अच्छे से साफ नहीं होता है, तो इसको भी मैंने जो है टूथब्रश से ही साफ कर दिया है। और जहाँ पर हाथ नहीं पहुँच रहे थे सब जगह मतलब इस ब्रश से आराम से साफ हो गया था, लेकिन किनारों से आप देखेंगे तो बिल्कुल ये काली हो रखी है। तो इसको साफ करने के लिए देखिए जो हमारा डिश वॉश जेल होता है ना लिक्विड, वही मैंने लिया है, और एक पुराना सॉक्स ले लिया है। तो आप कोई भी स्क्रबर ले लीजिए, पुराना होना चाहिए, लेकिन नया लोगे तो उस पर स्क्रैच हो जाएंगे मशीन पर, या फिर कोई भी आप सॉफ्ट पुराना कपड़ा ले लीजिए। और उससे बस मैंने इसको साफ किया है अंदर बाहर अच्छे से, बस अपना ये लिक्विड जेल लगाया है और अंदर से बाहर से रगड़ रगड़ कर इसको साफ कर दिया है हल्के हाथों से। तो मैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से, सिंपल सा मेरा तरीका है, ना कोई खर्चा है ना कोई फंडा अलग से, इस तरीके से साफ कर लेती हूँ और मेरी मशीन हमेशा साफ बनी रहती है इससे। और ये व्हाइट कलर की है ना तो व्हाइट ही रहती है, कई मशीन आप देखते हैं कि शुरू में जब आती है ना तो बिल्कुल व्हाइट होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है ना पीली पड़ने लगती है। तो आप वीक में एक इस तरीके से साफ कीजिए मशीन को अच्छे से, तो बिल्कुल वो व्हाइट बनी रहेगी, चमक उसकी वैसी ही रहेगी, पीलापन नहीं आएगा। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपकी मशीन के जो बटन है वो बाहर की साइड है, जैसे कि मेरी मशीन में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से वो कवर है पीछे की तरफ, तो पानी गिरने का कोई उसमें खतरा नहीं है, तो मैं आराम से साफ कर लेती हूँ इसके जो डोर वगैरह है वो भी पानी से। और आपकी मशीन में अगर बटन जो खुले हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें उनमें पानी ना जाए। और ये देखिए कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ ना तो ये हाथ पहुँचता है और ना ही हमारी ब्रश पहुँचती है, तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, एक तार का टुकड़ा मैंने ले लिया है पतला सा, और कपड़े में इसको लपेट कर इस तरीके से मैं पूरा साफ कर दूंगी। तो जहां पर हाथ नहीं पहुंच रहा था ना, तो ये हमारी पूरा आराम से साफ हो जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स काफी जगह थे मशीन में जहां पर बहुत गंदगी थी लेकिन साफ नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से करने से मेरी मशीन बिल्कुल साफ हो गई है। और ये जो पाइप है फ्रेंड्स, ये भी देखिए कुछ इस तरीके का अभी हो रखा है, तो इसको भी साफ करने के लिए बस मैंने ब्रश ही ली है, छोटी बड़ी जैसी आपके पास है उसे आप साफ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो पाइप है ना बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें आप देख पा रहे हैं सर्कल जैसे बने हुए, थोड़ा सा मतलब ये डिजाइनिंग जैसे इसमें है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन जो है साफ हो गया है आराम से। तो टूथब्रश से करा तो मैंने थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन साफ हो गया था। और चाहे तो आपके पास कोई कपड़े धोने का पुराना ब्रश है उससे भी आप साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने इसको पूरा अच्छे से साफ हो गया है। और यहाँ पर जो पाइप अगर प्लेन होता ना तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अंदर से भी देखिए जहाँ तक ये मेरा हाथ पहुँच रहा था ब्रश से, मैंने इसको साफ कर दिया है, तो ये बिल्कुल हमारा साफ हो जाएगा।
तो मशीन को फ्रेंड्स मैंने साफ कर दिया और इसको मैंने बाहर निकाल लिया था क्योंकि बाथरूम की भी आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। और इस तरीके से अब मैं इसको ना पोंछ दूंगी सूती कपड़े से, तो इस पर जैसे धुलने से जो पानी के निशान हैं, छींटे जो दिखते हैं ना बाद में सूखने पर, तो वो दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो हम सूती कपड़े से इसको साफ कर देंगे। तो अंदर बाहर पीछे मैंने पूरा इसको साफ कर दिया फ्रेंड्स, और पीछे से भी देखिए मशीन बिल्कुल साफ हो गई है। आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में, मशीन हमारी बिल्कुल नई जैसी हो गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप थोड़ी थोड़ी सफाई जरूर कीजिएगा, इससे मशीन की लाइफ भी बढ़ती है और ये बिल्कुल परफेक्ट चलती है। और थोड़ा सा मैंने इसको धूप लगा दिया है, तो गीली को इसको हम बंद नहीं करेंगे, बंद करेंगे तो स्मेल हो जाएगी। तो खोल करके अब मैं इसको धूप में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। और हाँ, प्लास्टिक की बोरी है तो ज़्यादा तेज धूप में और ज़्यादा देर तक मैं इसको नहीं रखूंगी, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पर मेरे जो बटन थे ना, इनको भी मैंने गीले कपड़े से साफ कर दिया है ऊपर की साइड में, क्योंकि पानी जाने से फिर मशीन खराब होने का डर था। और ये जो जाली मैंने धोई थी देखिए ये भी सूख गई है और ये भी साफ हो गई है बिल्कुल। अब इसको हम वापस से लगा देते हैं, तो जैसे हमने निकाली थी वैसे ही हम इसको लगा देंगे। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है और अंदर ही आराम से लग जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपके लिए कुछ काम आएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।